राष्ट्रर प्रगति रे तथा देशवासी सामाजिक सुरक्षा रे सहायक सब्यस्त होइतिबा जीवन बीमा निगम बा एलआईसी को बिक्री पाई केंद्र सरकार निष्पत्ति को विरोध करिछि सर्वभारतीय बीमा कर्मचारी संघ एआईआईए बा ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ओ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। केन्द्र सरकार निष्पत्ति को एबे समग्र देश में प्रतिवाद करा बेले बालेश्वर में मध्य यहार प्रतिफलन लक्ष्य कर एहि परिप्रेक्षीरे बालेश्वर एलआईसी मुख्य कार्यालय सम्मुखें एआईआईए और सीपीएम मिलित विक्षोभ प्रदर्शन तथा गणधारणा बुधवार दिन अनुषित हो जाएछि। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन जिला सभापति अशोक कुमार बेरा संपादक बसंत कुमार महंती और सीपीएम नेता सीसीर हुई तथा निर्मल नायकों नेतृत्व में आयोजित मिलित प्रतिवाद कार्यक्रम में बहु श्रमिक नेता एवं जीवन बीमा कर्मचारी माने जोगदे केन्द्र सरकार त्रुटिपूर्ण नीति को तीव्र विरोध करते। केन्द्र सरकार 140 कोटी देशवासी विश्वासघात करने को जाऊ धारणकारी माने कहते आमर जो एलआईसी आज आईपीओ बिक्री आरंभ हो 3.5% आमर एम्प्लॉयज यूनियन ताकू प्रथम रु विरोध कर आसुले जे आमे एटा सरकारी संस्थारु केबे भी डिसइनवेस्टमेंट करे दबु नाही एवं आज सरकार आम कथा कर्णपातन करी आज 3.5% जो आईपीओ मार्केट आज छाड़ी तार को विरोध करिबा पई आमे 2 घंटा वर्कआउट स्ट्राइक रे बसछु। जेहेतु एटा गोटे सरकारी संस्था थिला एवं 1956 मसीह मात्र सरकार 5 कोटी टंका देकरी ए संस्था आरंभ होता और आज यह 39 लाख कोटी टंका रे परिणत होई ये होची केवल देशर जनसाधारण पैसा सरकार अवदान केवल 5% थिला एवं आज प्राइवेट हवा द्वारा किछि पैसा यादेरु चली जीवो जो पूंजीपति मानक हाथ को इंडस्ट्रियल हाउस कॉर्पोरेट हाउस को पाख को जीव एवं एथिरे बोनस मिलूला कस्टमर मानक गरीब कस्टमर मानक से जो मिलूला ताकि किसी बाधाप्राप्त हे बोनस रेट निश्चित भाव कम आसिबो एवं आगामी दिन में आज 3.5% कर आगामी दिन में निश्चित भाव या अधिका कर प्राइवेटाइजेसन आड़क जापारती तेणु आम यार विरोध कर बीजेपी पांठि वृद्धि पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बहुराष्ट्रीय उद्योगी ओ शिल्पपति हाथ को एही निगम को टेकी देबा को तिलेमात्र द्विधा न करिबा अत्यंत दुर्भाग्यर विषय बोली सेमाने कहिछंती। एही जीवन बीमा निगम रे 29 कोटी पॉलिसीधारी 1 लाख कर्मचारी एवं 14 लाख रु ऊर्ध्व एजेंट मानकर भाग्य सह खेलिबार अधिकार केन्द्र सरकारंकर नाही। एहाको बिक्री पय निष्पत्ति नेबा पूर्वरु सरकार पॉलिसीधारी बा देशवासींकर मत नेई नाहंती। अतएव यह निष्पत्ति तुरंत ओहरी जीवाको प्रतिवाद कार्यक्रम में वक्ता माने दृढ़ दाबी करते नतुबा आगामी दिन में केन्द्र सरकार विरोध में आंदोलन तीव्रतर होगा देशवासी उचित जवाब देवे बोली से माने चेतावनी देते। एलआईसी जो सेयार बिक्री होटे क्षेत्र रोच सेयार केत बिक्री कराए जो क्षति हुए टा बजार छाड़ी टंका बजार उठे आने क्षतिपूरण टाक भरणा करने सेयार बिक्री करा जाए किंतु एलआईसी लाभ रही लाभ लाभ रही एलआईसी जो लाभ रही तार सेयार बजार को जो छड़ा जाते से सेयार वैल्युएसन केयारटा के टकर बिक्री हम सेवा पाखे जो से सर्टिफिकेट दे जो थे सेखिंट जे ए सेयार 1.1% हिसाब से बिक्री हम 1.1% हिसाब से बिक्री हेले गोटे सेयार पखापाखि 321 टंका हूँ गोटे सेयार मूल्य जदि अन्न जो मैंने घर कंपानी अच्छा से मैंने जो सेयार बिक्री कर 3.25% बिक्री करखापाखिंर जो मूल ये अनुसार वैल्युएसन पखापाखि पाँच 2,225 टंका जदि आम 3% लेखे बिक्री करवा एलआईसी तार जो पूंजी जदि सेयार बिक्री करे 3% लेखे हिसाब से तेल आम 3,221 टंका पाइबा गोटे सेयार 3,221 टंका सेयार पाइले आमर इनकम हम पखापाखि 50,000 रु 60,000 कोटी टंका 1.1% बिक्री हेले आम पाइबू मात्र 27,000 कोटी टंका ताले आम लस करछु 30,000 पखापाखि कोटी टंका आम लस करछु क्षति रे जाउछु तेणु जे सेयार बिक्री करछि क्षति करिबाई कोन भाई एलआईसी बिक्री करछि एवं ए निष्पत्ति किए नेला पॉलिसी होल्डर को पचरा जाइछि जो मैंने एम्प्लॉयज अछंती तांको पचरा जाइछि साधारण लोकन को पचरा जाइछि
किसी पचरा जाए बीजेपी सरकार चाहूँ जमी बुलडोजर चढ़ई दुकान भांगुच मस्जिद भांगुच मंदिर भांगुच से भाव में आज बुलडोर चढ़ई साधारण लोकंर जो रुटी रोजी तर जो जीवन बीमा से बीमा उपरे माड़ देकि से टंका को छड़े ना आज बीजेपी सरकार निष्पत्ति कर विरुद्ध रे सीपीआईएम तार लड़ई को आहरी ठिया कर आंदोलन ठिया कर समस्त शक्ति काटि कर अन्य मानक मध्य सीपीएम नेता प्रेमरंजन पात्र विजय पात्र स्टालिन मिश्र अक्षय रणा श्यामसुंदर जेना समेत बीमा कर्मचारी संघर बाईधर सिंह निरंजन बेहरा कृष्णमणि सेनापति मंजुलता सेठी भागीरथी दास गौतम चरण दास नरेन्द्र सेठी निखिल कुमार बेहरा देवकी नंदन सेठी प्रमुख एक प्रतिवाद कार्यक्रम में जोगदे केन्द्र सरकार त्रुटिपूर्ण निष्पत्ति विरोध करते।